नमस्कार दोस्तों, देव द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। हैप्पी होली। होली एक मौज मस्ती का त्योहार है जिसका इंतजार सभी को रहता है। कब है होली? कब? होली मनाने के बहुत सारे थियोरीज है, लेकिन हम यहाँ दो थियोरीज डिस्कस करेंगे। पहला थियोरी, होलिका प्रहलाद की कहानी। लेकिन उससे पहले जरूरी बात, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिए। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस का वध किया था। इसका बदला लेने के लिए उसका भाई हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी का तपस्या करता है और वरदान पाता है कि न वह घर में मरे, न घर के बाहर, न जमीन पर मरे, न आसमान में, न दिन में मरे, न रात में, न शस्त्र से मरे, न अस्त्र से, न मनुष्य से मरे, न जानवर से। वरदान पाते ही वह विष्णु भक्तों पर अत्याचार करता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा प्रहलाद भी विष्णु भक्त है तो उसे भी मारना चाहता है। बहुत कोशिश करने पर भी वह उसे मार नहीं पाता। आखिर में हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बुलाता है। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ जाती है, जिसमें वह खुद जलकर राख हो जाती है, पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता। इसीलिए होली के एक दिन पहले शाम को होलिका दहन का प्रथा है।